हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है हमारी मूंग दाल की इडली रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और यमी है। हमारी हेल्दी इडली बनाने के लिए हमें 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी खड़ी मूंग दाल और 1 कटोरी उड़द दाल लगेगी। अब हम इन सभी को भिगो देंगे और उसके बाद भिगोने के बाद इसे अच्छे से वॉश करके रात भर फूलने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से फूल जाएगी उसके बाद हम इसे, देखिए गाइस, हमारे दाल चावल और मूंग की दाल तीनों फूल चुके हैं। अब हम इन्हें पीसने के लिए निकालेंगे। सभी को अलग अलग पीसना है, सभी को अलग अलग पीसेंगे और एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो गाइस, हम पहले चावल का पेस्ट बनाते हैं और निकालते हैं। देखिए गाइस, हमारा चावल का पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा चावल का पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें मूंग दाल का पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, हमारी मूंग दाल भी पिस चुकी है। अब हम इसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए गाइस, हमने ये हमारी उड़द की दाल को अच्छी तरीके से धो के इसके छिलके निकाल लिए। अब हम इसे भी पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारी मूंग की दाल, ये उड़द की दाल का पेस्ट भी बन चुका है। अब हम इसे भी उसे में मिलाएंगे। देखिए गाइस, हमने तीनों को एक ही बर्तन में निकाल लिया। अब हम इसे 5 मिनट तक के फेंटेंगे, घुमाएंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से हमें इसे 5 मिनट तक के फेंटते रहना है और मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा 5 मिनट बाद, फिर इसे हमें इसी तरीके से रहने देना है और ढक करके एक रात भर या 6-7 घंटे के लिए रहने देना है। अगर गर्मी का टाइम है तो 6-7 घंटे में ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा, और अगर ठंड का टाइम है, विंटर का टाइम है, तो आप इसे थोड़ी देर धूप में रख दीजिए तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। रात भर में थोड़ी देर धूप में रखिए, उसके बाद फिर इसे रात भर रख दीजिए। 1-2 घंटे अगर अच्छी धूप लग जाएगी उसके बाद फिर रात भर ढक के अंदर घर में रख दोगे तो फिर ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। फिर हम इसे दूसरे दिन बनाएंगे। देखिए गाइस, हमारा बैटर कितना ज़्यादा फूल चुका है, पूरा ऊपर तक आ चुका है। इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसके बाद हम इसे, देखिए गाइस, देखिए हमारा बैटर कितना ज़्यादा फूल चुका है। इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे और उसके बाद फिर हम हमारा इडली बनाएंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसे घुमा दिया है अच्छे तरीके से नमक डाल के। रात भर में हमारा पेस्ट इतना अच्छा टेस्टी तैयार हो जाता है कि उसकी सैंड भी बहुत अच्छी आती है। चलिए गाइस, अब इडली बनाते हैं। देखिए गाइस, हमारा बैटर कितना फ्लफी हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। अब हम इसे इडली के सांचे में डालेंगे। सबसे पहले हमने स्टीमर में अपना पानी डाल के रखा है 2 गिलास। इसमें 2 गिलास पानी डाल के गैस चालू करके ऐसे ढक के रख देंगे जिससे पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें इडली भर के रखेंगे। तो चलिए, इसके सांचे पे हल्का हल्का ऐसे ग्रेस लगा लेते हैं। तीनों साँचों में इसी तरीके से लगा लेंगे हम ग्रेस। उसके बाद हम अपना ये बैटर अपने इस साँचे में डालेंगे। ज़्यादा ओवर नहीं भरना है, अगर हम ओवर ना भरेंगे तो हमारी इडली अब फूल के बाहर निकलेगी, इसीलिए थोड़ा स्पेस रहने देना है। और इसी तरीके से हम अपने तीनों साँचों में इडलियाँ भर के स्टीम होने के लिए रख देंगे। हमें स्टीम होने के लिए रखेंगे, उसके बाद 10 मिनट तक के बॉईल होने देना है पानी में। तो देखिए गाइस, हमारा ये पानी बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें अपने, उसके बाद
का ढक्कन लगा के हम इसे 10 मिनट के लिए रहने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए गाइस, देखते हैं हमारी इडली पकी है कि नहीं पकी है। देखिए गाइस, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, ये हमारी इडली अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल के सर्व करेंगे। गाइस, इसे हाई फ्लेम पे 5-10 मिनट तक के लगभग रहने दो, तो आराम से अच्छे से फूल जाती है और अच्छी बनती है। हाई फ्लेम पे पकाए इसे। देखिए गाइस, हमारी इडली कितनी स्पंजी और फ्लफी बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, बिना बेकिंग सोडा डाले कितनी स्पंजी और कितनी अच्छी बनी है। तो गाइस देखिए, इस तरीके से आप इसे गर्मा गर्म सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। गाइस, मेरी इडली रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी इडली रेसिपी अच्छी लगी हो तो, और आपको अगर मेरी सांभर रेसिपी जानना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए सांभर रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। ओके गाइस, हमारी इडली का कलर इसीलिए चेंज लग रहा है, थोड़ा सा वाइट एकदम नहीं आ पाया है, क्योंकि इसमें हमने छिलके वाली दाल भी डाली है, काली वाली दाल भी डाली है, और साथ में हमने मूंग दाल भी खड़ी साबुत वाली डाली थी। इसके हमने छिलके निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी उतनी पूरी तरीके से नहीं निकल पाए, इस वजह से उसका कलर थोड़ा सा अलग आया है, नहीं तो पूरी वाइट आती अगर हम बिना छिलके वाली लगाते तो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।